अरे अरे संभल के, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अभी इतना कीमती वास टूट जाता ना। और टाइम तो देखो, सुबह स्कूल भी जाना है। अरे सुन, सुन रही है? कैसे सुनेगी, एक तो कानों पर ये ढक्कन लगाए रहती है। उतारो इसे। ओहो मम्मा, आप भी ना इतना बढ़िया गाना सुन रही थी। पहले अपना कॉल सुन, मिन्नी का है, शायद कोई जरूरी बात हो। ओके मम्मा। हाँ मिन्नी बोल। कल मैथ का टेस्ट है, याद है ना? और मैथ की टीचर दीदी को तो तुम जानती ही हो। हाँ हाँ हाँ। मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया था, अपनी तैयारी पूरी कर लेना वरना सजा मिल सकती है। वैसे तो तुम इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है तुमने सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। हाँ हाँ। ओके गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि कल टेस्ट है, सारा दिन डांस ही करती रही। अब इस टाइम वैसे भी कुछ नहीं होगा, सुबह सजा मिलेगी ही मिलेगी। नमस्ते आंटी। क्या हुआ आंटी, इक्की ने स्कूल नहीं जाना क्या? जाना तो था बेटा, पर सुबह से ही वो पेट दर्द कहकर चिल्ला रही है। लगता है कुछ बाहर गलत सलत खा लिया होगा उसने। कल तो वो सारा दिन हमारे साथ थी, हमने तो बाहर का कुछ भी नहीं खाया था। अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो उसे रेस्ट ही करने देते हैं। सही कहा। ओके आंटी, हम छुट्टी के बाद उसे देखने आएंगे। शुक्र है मेरा बहाना काम आ गया, वरना मैथ की टीचर दीदी से जरूर सजा मिलती। मजा आ गया आज तो। सच्ची ऐसी सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। काश इक्की भी साथ होती। अरे इतनी जल्दी आ गए? अरे आज तो ना बहुत सरप्राइज वाला मजा आया। आज प्रिंसिपल जी का बर्थडे था, सो हाफ डे के बाद स्टडी हुई ही नहीं, उल्टा पार्टी हुई। और सबको मिठाई और ये देखो जूस चॉकलेट दी गई। और वो मैथ्स का टेस्ट? अरे जब पीरियड ही नहीं लगा तो टेस्ट कैसा, अब वो टेस्ट कल होगा। अरे तुम्हें क्या हुआ? और हाँ तुम्हारा पेट दर्द कैसा है अब? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? मैंने ना सुबह झूठ बोला था, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं था। क्या, पर वाय, तुम तो ऐसी लड़की नहीं हो। ये मैथ के टेस्ट से डर गई थी, पर बाद में इसे लगा कि इसने गलती की है, क्योंकि झूठ बोलना बुरी बात होता है और झूठ बोलकर आप किसी चीज से भाग नहीं सकते। इसने सारी बात मुझे बता दी। सही कहा आंटी। और देखो ना, अगर तुम हिम्मत रखकर स्कूल जाती तो पार्टी भी खाती और झूठ बोलने से भी बच जाती। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी, सॉरी मम्मी, सॉरी फ्रेंड्स। आज सारा टेस्ट दिल से प्रिपेयर कर लेना। वो तो जब मैंने मम्मी को सच बोला तो उन्होंने सारा टेस्ट रिवाइज करवा दिया था। आज के बाद सभी याद रखेंगे एक बात, चाहे कुछ हो जाए, झूठ बोलना बुरी बात।